क्या आपको पता है कि एक टाइप की ऐसी मछली पाई जाती है जिसके दांत जो होते हैं वो बिल्कुल इंसानों के दांत के जैसे होते हैं। और क्या आपको पता है कि जो सूर्य है जिससे हमें प्रकाश मिलता है उसका जन्म कैसे हुआ था, वो कैसे बना? और क्या आप जानते हो कि एक प्रकार की ऐसी पेंटिंग होती है जो कि रियल लाइफ में कुछ और दिखती है और अगर उसको आप शीशे में देखोगे तो वो कुछ और दिखेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब का अमेजिंग नॉलेज विद फैक्ट्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको 12 ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स को बताएंगे जिनको सुनकर आपके मुंह से एक किले निकलेगी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स बिगिन। को एक तरह की कॉफ़ी होती है जिसको कॉटन कैंडी कॉफ़ी कहते हैं और इस कॉफ़ी के ऊपर एक कॉटन शुगर लगा होता है और जैसे जैसे कॉफ़ी की भाप जो है वो ऊपर जाकर इस कैंडी को गलाती है वैसे वो गल कर कॉफ़ी के नीचे चीनी के रूप में आती है और कॉफ़ी को मीठी बनाती है। और जब एक कैंडी भाप से गलती है तब ऐसा लगता है कि कॉफ़ी के ऊपर चीनी की बारिश हो रही है और ये सिर्फ चाइना में ही पाई जाती है। एक प्रकार की मछली होती है और इसको कहते हैं पाकू फिश और पाकू फिश इस दुनिया की एकमात्र ऐसी यूनिक मछली होती है जिसके जो दांत होते हैं वो बिल्कुल किसी इंसान के दांत के जैसे होते हैं और आप इसको रियल में देखोगे तो आपको बिल्कुल अजीब लगेगा। प्लास्मोथेरियम नाम का एक जानवर था बहुत साल पहले, लगभग 30,000 साल पहले, और इसको साइबेरियन यूनिकॉर्न भी कहा जाता था। और ये फोटो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये उसका कंकाल है और ये इस चीज़ को दर्शाता है कि इतने साल पहले ये कैसे दिखते होंगे। एक गांव है जिसका नाम है हुआका चाइना और ये गांव बहुत ही अजीब जगह पर बसा हुआ है। देखो, रेगिस्तान में जहाँ पर पानी का स्रोत होता है, रेगिस्तान में कहीं कहीं पर पानी जमा रहता है और उसी पानी वाले एरिया के आसपास ये गांव बना दिया गया है और ये पूरी दुनिया का सबसे यूनिक जगह पर बसा हुआ गांव है। हाइपेरियन जो पेड़ होता है वो इस दुनिया का सबसे लंबा पेड़ होता है और इस पेड़ की हाइट 380 फीट तक होती है और ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए जब ये पेड़ कहीं भी किसी भी इंसान को मिलते हैं तो लोग इसकी एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं बताते। आपके मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो आपको देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती है पर वो बहुत ही अमेजिंग होती है। देखो, नॉर्मल स्क्रीन ऐसी दिखती है और अगर आप उसको जूम करोगे तो ऐसी दिखेगी और जूम करोगे तो ऐसी दिखेगी और फाइनली हाईएस्ट जूम में देखोगे तो ऐसी दिखेगी। और आप एक बात जान लो कि आपकी स्किन में सिर्फ तीन ही मेन कलर्स होते हैं, RGB मतलब रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इस दुनिया में कोर्क नाम का एक कोक का पेड़ होता है और इस पेड़ से क्रिकेट की बाल से लेकर बेसबॉल बैट और यहाँ तक कि अंतरिक्ष यान बनाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एकमात्र ऐसा पेड़ होता है जिसकी छाल दोबारा से ही रिजनरेट हो जाती है। इस इमेज में आप ये देखो कि ये एक पेंटिंग है जो कि सामने वाले मिरर में कुछ अलग दिख रही है। क्या आप देख पा रहे हो? ये एक यूनिक टाइप की पेंटिंग होती है और इसको लेंटिक्यूलर पेंटिंग कहते हैं। और इसमें होता यह है कि किसी भी इमेज का जो रियल पिक्चर होता है वो असल ज़िंदगी में कुछ अलग दिखता है और मिरर में कुछ अलग दिखता है। सऊदी अरेबिया के एक इंसान ने अपने 80 पंछियों के लिए 80 सीट को एरोप्लेन में बुक किया था। क्या क्या करते हैं सऊदी अरब के लोग? कहीं चांदी की कार बनवा लेते हैं तो कोई किसी शेर को पालता है। ये लोग काफ़ी अमीर होते हैं जिसके चलते ये लोग ऐसे काम करते हैं। जर्मनी में एक बार एक कार बनाई गई थी और ये पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी कार थी जो कि पूरी की पूरी ग्लास से बनी हुई थी और इस कार में कोई पेंट यूज नहीं की गई थी और ये कार बाकी कारों से काफ़ी मजबूत भी थी। आपने इंसानी दिल को देखा होगा, वो कुछ ऐसा दिखता है। जो रियल हार्ट होता है वो ऐसा दिखता है और इसी रियल हार्ट में से अगर हम लोग खून को निकाल दें तो हार्ट आपको कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, बिना ब्लड के हार्ट कितना अजीब दिख रहा है। जो हमारा सूर्य है उसका निर्माण कैसे हुआ नहीं पता? तो देखो, सूर्य हमारे ब्रह्मांड के मिल्की वे का हिस्सा है। आज से 4.5 मिलियन साल पहले अंतरिक्ष में बहुत सारे धूल और कण के बादल इकट्ठा हुए और किसी बल के कारण ये कण आपस में जुड़ने लगे और सिकुड़ने लगे जिससे ठोस होते गए। फिर इसमें ग्रेविटी पैदा हुई और फिर हाइड्रोजन और हीलियम गैस के एक्शन से ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। इस तरह से हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। और सूर्य जो है ये पूरा का पूरा ठोस टाइप का नहीं है बल्कि ये पूरा का पूरा गैस का बना हुआ है
और सूर्य में हाइड्रोजन गैस के चलते इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है। और सूर्य को हम लोग पृथ्वी से देखते हैं तो हल्का पीला नज़र आता है, बट अगर आप लोग उसको स्पेस से जाकर देखोगे तो बिल्कुल व्हाइट दिखेगा। काजुहिरो वाटानेब नाम का एक जैपनीज हेयर स्टाइलिस्ट है और इस इंसान ने सबसे लंबे हेयर का रिकॉर्ड बनाया है। देखो 3 फीट 8 इंच लंबे हेयर का रिकॉर्ड, सोचो बस में कैसे जाता होगा और ये अपने बेड पे सोता कैसे होगा, क्या गजब इंसान है। देखो जो काजू होता है वो देखने में ऐसा लगता है जिसको हम सब लोग खाते भी हैं, पर ये इमेज जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये काजू उस टाइम का है जब काजू पूरी तरह से खाने के लिए ग्रो नहीं होता है, इसको तोड़कर अच्छे से खाने योग्य बनाया जाता है। स्पेन की मेनोरका लेक को देखो, इस लेक का पानी इतना साफ है कि इस पानी में तैर रहे बोट आपको लगेगा कि हवा में तैर रहे हैं, ये इस झील के साफ पानी के चलते ऐसा लगता है। आप सब लोग जू मतलब चिड़ियाघर तो देखे होंगे जहाँ पर बहुत प्रकार के जानवर होते हैं जिनको आप देखने के लिए जाते हो, तो देखो एक टाइप का जू होता है जिसको रिवर्स जू कहते हैं, मतलब उल्टा जू, जिसका मतलब उल्टा जू में आप जानवर को देखने नहीं बल्कि जानवर आपके पास आएगा। देखो उस जू में कुछ ऐसा होता है, वहाँ पे जू में एक गाड़ी के अंदर आप होंगे और सभी जानवर बाहर, इस जू में शेर और बाकी जानवर आपको बाहर से देखेंगे और आप अंदर होंगे वो भी इनके इलाके में। देखो कितना मज़ा आता होगा रिवर्स जू में। आप इस इमेज में टीवी के चेंज को देखो, सबसे पहले पुराने ज़माने में जब टीवी नई नहीं थी तब ऐसी थी, फिर ऐसी बनी, फिर ऐसी चेंज हुई और फिर ऐसी बदली और फिर ऐसी बनी और फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी और लास्ट में अभी के टाइम पे LED चल रही है जो फेविक्विक या फिर इसी के जैसे और लिक्विड्स आते हैं वो अपने ही ट्यूब में क्यों नहीं चिपकते। तो देखो इस तरह के जितने भी लिक्विड्स आते हैं उनको एक टाइप के स्पेसिफिक ट्यूब में डालकर मार्केट में भेजा जाता है और ये ट्यूब पूरी तरह से एयर टाइट होती है, और इस टाइप के लिक्विड्स में ऐसा स्पेसिफिक सोलेंट्स भी डाला जाता है जो इस लिक्विड्स में मौजूद एटम्स को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाने ही नहीं देता, बट जब भी इस लिक्विड को इस ट्यूब से बाहर निकाला जाता है तो ये हवा के संपर्क में आता है तभी इसके एटम्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं। तो यही कारण है कि जब भी इस लिक्विड्स को इस ट्यूब से बाहर निकाला जाता है तब ये किसी भी चीज़ को चिपका लेता है। तो यही रीजन है जिसके चलते फेविक्विक या फिर इसी के जैसे कोई लिक्विड्स अपनी ही ट्यूब यानी कि शीशी में नहीं चिपकते हैं। आप अभी अपनी आंखें बंद करो, हाँ वीडियो देखते टाइम भी कर सकते हो, 3 2 1 बंद करो। तो आंखें बंद करने के बाद आपको क्या दिखा, आप बोलोगे कुछ नहीं दिखा, तो वही कुछ नहीं दिखा। देखो जो कलर आपको आंखें बंद करने पर दिखता है वो ब्लैक नहीं होता है, वो एक टाइप का यूनिक कलर होता है और उसका नाम है आइजनग्राउ, और ये जो कलर होता है वो ब्लैक से थोड़ा डिफरेंट होता है। बरमुंडी फिश नाम की एक मछली होती है और इसकी खास बात ये है कि इसमें जो मेल फिश पैदा होती है वो 4 साल तक तो मेल रहती है और फिर वही मेल फिश 4 साल के बाद फीमेल का रूप ले लेती है। ये पूरी धरती के सबसे यूनिक फिशेज में से एक है, बरमुंडी फिश नाम है इसका, याद रखना। सी क्रॉस नाम की एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है और आप अपनी स्किन पर देखो, ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर स्क्वायर टाइप का कुछ, ये है सी वेव, मतलब उधर से भी सी वेव आ रही है और इधर से भी जा रही है और जब दोनों मीट करती हैं तब ऐसा कुछ बनता है और इसी कंडीशन को सी क्रॉस कहते हैं। आपको तो पता ही होगा कि पूरी दुनिया में अजीब अजीब टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं, इनडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, जिनमें माउंटेन पर चढ़ना, पहाड़ों पर या फिर अजीब अजीब जगहों पर जाना या फिर पहाड़ों पर जाकर टेनिस खेलना, ये सब रिस्की काम। तो देखो एक टाइप का ऐसा भी स्पोर्ट्स होता है, बहुत ही यूनिक खेल होता है और इसको स्ट्रीम आयरनिंग कहते हैं। घर में आपके पास जो आयरन होगा जिससे आप अपने कपड़े को आयरन करते हो, तो इस गेम में चैलेंज ये होता है कि माउंट के सबसे पीक पे जाकर आपको अपने कपड़े को आयरन करना होगा। अमेजिंग। क्या आपको पता है कि ट्रेन का जो इंजन होता है उसको एक बार स्टार्ट करने में कितने लीटर डीजल का यूज होता है? नहीं पता, डोंट वरी। दरअसल दोस्तों एक ट्रेन के इंजन को सिर्फ स्टार्ट करने में 25 लीटर डीजल का यूज होता है, क्या आप इससे पहले जानते थे? कमेंट करके बताना। अगर आप किसी भी पेंगुइन के अंडे को बॉयल करते हो तो इस टाइप से बाहर से पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ये इसलिए होता है क्योंकि पेंगुइन के जो अंडे होते हैं उनमें जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है,
इसलिए अंडे ऐसे दिखते हैं। रात में जानवरों की आंखें देखी होगी, वो रात में लाइट लगने पर क्यों चमकती हैं, क्या आपने कभी सोचा है? तो देखो, जानवरों की आंखों में एक परत होती है जिसको लैपिडम लूसिडम कहते हैं, जो कि उनकी आंखों में पड़ने वाली लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देती है, और इसी रिफ्लेक्शन के कारण उनकी आंखें रात में चमकने लगती हैं, और इसी परत के कारण जो जानवर होते हैं उनको रात में दिखाई देता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजबल लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।